UIDAI के तरफ से एक नए साइट को लॉन्च किया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और ये जो साइट है उस UIDAI के साइट से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे आपको पूरे जो भी आधार के सारे फीचर्स होते हैं उसका एक पोर्टल करके यहाँ पे बनाया गया है, जिसको आप लोग यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड से जुड़ी सारी जो भी मतलब चेंजेज होते हैं, अपडेट होते हैं या कुछ भी आपको करना होता है आधार कार्ड में, अपना स्टेटस चेक करना होता है, बैंक से लिंक करना होता है, उसका स्टेटस देखना होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे UIDAI के द्वारा जो नया एक साइट लॉन्च किया गया है उसमें आपको सब देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। ये आपको सर्च करने पे भले ही अभी क्रोम पे ना मिले क्योंकि अभी साइट की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा जहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस साइट पे, और यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो वेलकम टू माय आधार, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो कैसे लॉगिन करना है आपको, तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर आधार पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करना होता है। अब सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके ये नंबर पे जो आपके आधार से रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आएगा जिसको आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होता है, और उसके बाद जब आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज जो है आपका कैसे ओपन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जब लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों का जो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑर्डर, आधार PVC कार्ड का चेक, आधार PVC कार्ड ऑर्डर का स्टेटस, और चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, और उसके बाद लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, बुक एंड अपॉइंटमेंट, रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन जो UID या फिर EID नंबर होता है, वेरीफाई ईमेल या फिर मोबाइल, उसके बाद वेरीफाई आधार, VID जनरेटर, और लॉक एंड अनलॉक आधार। ये सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आसानी के साथ यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ से इन सारे आधार की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना आधार भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप लोग जो PVC कार्ड होता है PVC कार्ड को यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, और PVC कार्ड जब आप लोग ऑर्डर करते हो तो कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिनों में आएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके चेक आधार PVC कार्ड ऑर्डर स्टेटस जो है चेक कर सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट अपडेट एंड स्टेटस भी चेक कर सकते हो, और आपके आसपास में जो भी इनरोलमेंट सेंटर है, जो भी आधार सेवा केंद्र है, उसको यहाँ पे आप लोग क्लिक करके और यहाँ से लोकेट कर सकते हो। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो अपना आधार या फिर अपडेट कराने के लिए या फिर नया बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका आधार या फिर UID जो EID होता है अगर गुम हो गया है, अगर आप लोग भूल गए हो, तो यहाँ से आप लोग उसे सब कुछ करके आप लोग फिर से अपना नया क्रिएट कर सकते हो, और वेरीफाई ईमेल और मोबाइल, यहाँ पे आप लोग आके अपना ईमेल और मोबाइल को वेरीफाई कर सकते हो, और यहाँ पे आके आप लोग अपना वेरीफाई जो है आधार कार्ड को कर सकते हो। उसके नीचे आप लोग VID जनरेटर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप लोग अपना जो आधार है उसे लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप लोग इसे चेकआउट करके यहाँ पर देख सकते हो, ए गवर्नमेंट के द्वारा एक नया UIDAI आधार के लिए ही इस साइट को लॉन्च किया गया है, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।